मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नौजवानों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज भी नांदेड़ शहर के सोनखेड़ और मुसलमानवाड़ी के कसीर तादाद में नौजवानों ने नांदेड़ शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला की मौजूदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमजानी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मंजद बेग, शहर सदर साबिर चौश व दीगर कई जिम्मेदारान की मौजूदगी में सोनखेड़ और मुसलमानवाड़ी के नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने नौजवानों का फूलों के हार पेश करते हुए मजलिस में पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस तहनीती नशिस्त में मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला ने नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए बल्दियाती मसाइल को हल करते हुए लोगों के रिफाही फलाही समाजी खिदमात में जुट जाने की अपील की। बाद अजा मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने नौजवानों को मजलिस में बढ़ चढ़ कर शामिल होने की अपील की। इसी तरह उन्होंने मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले व अक़लियतों के मसाइल को हल करने वाले वाहिद सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गर्ज व गायत के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर मजलिस के शहर सदर साबिर चौश ने भी नौजवानों से मायना खैस गुफ्तगू करते हुए मजलिस के अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने की अपील की। हम एम आई में अभी ज्वाइन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो भी हो सकता हम कर सकते हैं। एम आई एम एक अच्छी पार्टी, तरक्की कर सकते हो, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम ऐसे यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम तकरीबन 20 से 25 जनों हैं जो एम आई एम में काम करना चाहते हैं। अच्छा, कैफ शेख है जो है, हम सभी अब दोस्त हैं। उन सब जन लोगों ने एम आई एम पार्टी ज्वाइन कर लिए जो हम सब लोग यहाँ पे मौजूद है, 15 से 20 साथी है। और हमने एम आई एम इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि एम आई एम जो है मज़लूमों पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हम सब नौजवानों को हिम्मत हौसला अफजाई करती है। एम आई एम जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। जो भी अब मुसलमानों को जो भी देहातों में वो तकलीफ़ वगैरह हो रही है उससे एम आई एम वाले जो है हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। हर हम जो भी परेशानी होगी हमसे जो बड़े हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह और वो हम सब की उसमें सॉल्व करने मदद करेंगे। अभी ऐसे कितने नौजवान हैं और जो एम आई एम में अभी ज्वाइन होने वाले हैं?
अभी ज्वाइन जो हो चुके हैं वो 15 से 20 साथी है, और इंशाल्लाह हमारे गांव में 20-25 साथी है जो कि ज्वाइन होंगे, और उसके बाद हम लोग जो सभी है जो हमारे भाइयों को समझाएंगे कि हमारे जो भाई है उनमें एक गलत फैमिली पैदा हो चुकी है कि MIM जो है सेकंड पार्टी है, या फिर कांग्रेस के वोट MIM खा ले रही, कांग्रेस आ जा रहा। तो हम हमारे भाइयों को सभी को बिठा के समझाएंगे कि MIM जो है गरीबों को जीना सिखा रही, जीने का रास्ता बता रही है, जो हम पर जुल्म हो रहा है उससे आगे बढ़ चढ़ने की तो हमें समझा रही है। हम हमारे भाइयों को मनाएंगे इंशाल्लाह, और सभी भाई जितने भी है हमारे भाई हुए, हमारे ख़ानदान और आजू बाजू जो गाँव है उन सभी को तैयार करेंगे इंशाल्लाह MIM में। हेड ऑफिस के ऊपर हमारे दक्षिण मतदार संघ के जितने के साथियों ने आज प्रवेश लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी इन्होंने दक्षिण के अंदर हमारा काम किए है। अभी इनकी ये ख्वाहिश जगी है कि भाई हम मेंबरशिप आपकी लेकर हम तमाम काम है कि नहीं वहाँ पर जो भी मसले मसाइल है हमको जो शहर के अंदर जो ज़रूरत पड़ती है तो हम आप लोगों से रुजू होकर जो भी काम है कॉलेज का है दवाखाने का है और जिस तरीके से एडमिशन के मामलात रहते जो भी है नांदेड़ शहर के अंदर हमारे जो काम रहते हम अगर तुम लोगों से रुजू होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करेंगे और मजलिस का काम बहुत अच्छा है बोलकर कि तमाम लोगों ने आज मजलिस के अंदर शमूलियत लिए है और तमाम को हमने अपने काम करने का तरीक़ा बताया है। आने वाले दिनों में इनको पदों से हम इनको नवाजेंगे और इनको जिम्मेदारियाँ जवाबदारी सबको टीम को बांट कर देंगे।